सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, संसदीय क्षेत्र चूरू में 6 मई की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार न केवल परमान चढ़ रहा है बल्कि जुबानी जंग भी यहाँ धारदार हो गई है। चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 29 अप्रैल को चूरू जिले के सरदारशहर में जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आम सभा होगी, वहीं 2 मई को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी सरदारशहर की धरा पर बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। चूरू विधायक और बीजेपी के स्टार प्रचारक राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी प्रत्याशी राहुल केशवा के लिए गाँव का दौरा कर वोट मांगेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास पर बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में राजेंद्र राठौड़ ने आगामी दिनों में प्रचार प्रसार के लिए रणनीति बनाई। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने राहुल केशवा से मतभेद भुलाकर मिशन 25 को पूरा करने व नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनावी समर में जुट जाने की बात दोहराई। 29 अप्रैल को राहुल गांधी की सरदारशहर में होने वाली आम सभा पर निशाना साधते हुए राजेंद्र राठौड़ ने बचकानी और गैर जिम्मेदाराना बात करना राहुल गांधी की आदत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की बात को पूरा देश ही गंभीरता से नहीं लेता है। 5 दशक तक शासन करने वाले परिवार को अब इन 5 सालों में लोगों के लिए न्याय याद आया है। कांग्रेस ने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए मतदाताओं पर राहुल गांधी की किसी बात का असर नहीं होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।